गुड इवनिंग गाइस, राधे राधे। संकट चौथ की आपको हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि हम संकट चौथ पे हमारे यहाँ क्या बनता है। हमारे यहाँ ये गुड़ को इस तरह से खुरच के पूरा मेल्ट कर लिया जाता है, इस तरह से। अब देखिए, ये बहुत ही अच्छा लगता है। तिल कुट्टा तो आपने हमेशा खाया होगा, तिल के लड्डू खाए होंगे। ये अलग ही है, जैसे गुड़ धानी बनती है ना, उसी तरह से तिल की तिल धानी बनती है। तो इसको ऐसे गुड़ को खुरच कर मेल्ट कर लिया जाएगा पूरा। मैंने देखिए सारा गुड़ इस तरह से इसको मेल्ट कर लिया, याद है किलो गुड़ था। और अब हम इसको आधा किलो गुड़ में हमने 250 ग्राम तिल लिया है। तिल को मैंने कढ़ाई में रोस्ट होने के लिए रख दिया है रेडी, लेकिन अभी मैंने उसको रोस्ट नहीं किया है। उसको मैं गुड़ को मेल्ट करने के बाद रोस्ट करूँगी, क्योंकि तिल जब गरम गरम गुड़ के अंदर डाला जाता है तभी वो उसमें चिपकेगा, और साबुत तिल जो क्रंची क्रंची टेस्ट आएगा वो तभी आएगा जब हम उसको मेल्ट करेंगे, गरम गरम तिल को इस गुड़ में डालेंगे। आप देखिए, ये मैंने सारा गुड़ को इस तरह से मेल्ट करने की ज़रूरत नहीं है कढ़ाई में, हम इस तरह से खुरच लेंगे इसको पतला पतला। ये देखिए, इस तरह से पतला पतला खुरच लिया है हमने इसको, जैसे आलू का छिलका उतारते हैं ना, इस तरह खुरच के, इस तरह से इसको इस तरह खुरच के इसका चूरा बना लिया है गुड़ का हमने। ये देखिए, पतली पतली लेयर उतारेंगे इस तरह से। 250 ग्राम तिल है तो आपको आधा किलो गुड़ लेना है, और अगर आपका आधा किलो तिल है तो उसमें 1 किलो गुड़ लेना है। इस तरह से जितना ज़्यादा गुड़ होगा उतना ज़्यादा टेस्टी बनता है वो। अब हम कर लेते हैं गैस की फ्लेम ऑन, और अब हम तिल को रोस्ट करेंगे। तिल को हम रोस्ट कर लेते हैं। सिम कर दिया मैंने, एक बार मैं घी ले आती हूँ। घी हम इसमें थोड़ा सा घी ऐड करेंगे, उससे क्या है उसकी उसका टेस्ट और बढ़ जाएगा तेल का। अब हम गैस की फ्लेम मीडियम फ्लेम कर लेते हैं, ना तो बहुत फुल और ना बहुत थोड़ा तेज होगा तो जलने लगेगा। मीडियम हाई फ्लेम पे कर दिया हमने, और हम तेल को सेक लेते हैं। और जे जो हमने गुड़ को ऐसे गुड़ का हमने जैगरी पाउडर बना दिया है चाकू से खुरच कर, और अब हम तिल को रोस्ट करके इसके अंदर डाल देंगे। हमारे यहाँ पर क्या है, यहाँ पूजा में शकरकंद, हमारे तरफ लखनऊ की तरफ हमारा घर है तो वहाँ पर ना शकरकंद पूजा में रखी जाती है, और तिल के लड्डू नहीं बनते हैं, किसी तरह से तिल धानी बनाई जाती है। जैसे तरह आपने गुड़ धानी देखी होगी, इस तरह तिल धानी बनती है। ये तिल को गुड़ के अंदर पूरा मिक्स कर दिया जाता है, एक गुड़ तिल के अंदर बारीकी से चिपक जाता है, और वो बहुत ही क्रंची और बहुत टेस्टी लगता है। और शकरकंद की खीर बनाई जाती है हमारी तरफ फलाहार के लिए, और पूरे दिन निर्जल व्रत रह के माताएं अपने पुत्र की दीर्घायु और उनकी सुरक्षा और सफलता की कामना करती हैं इस व्रत में। आपकी तरफ
राजस्थान का कल्चर भी मैंने देखा है, मेरी मम्मी की तरफ तो तिल के लड्डू बनाए जाते थे, तिल कुट्टा, मतलब उसको मिक्सी में तिल के साथ गुड़ को पीस लिया जाता था और उसका लड्डू बना के पूजा की जाती थी और वहाँ पर बनती थी गौरी मिट्टी की चौथ माता को, मैं ही बनाती थी मम्मी के यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरे ससुराल में अलग कल्चर है, तो मुझे जैसा ससुराल का कल्चर होता है कि हमें वैसा ही करना होता है। कि मैं, मेरी शादी को 13 साल हो चुके हैं और मैं तब से ऐसा ही करती आ रही हूँ। तो जिस तरह से जहाँ का जो रीति रिवाज होता है हमें वो करना ही होता है। मैं अपने घर के कल्चर तो सारे भूल गई हूँ, हमारी तरफ ईस्ट और वेस्ट यूपी का फ़र्क है, तो उधर की साइड तो हलवा पूरी सब्जी छोले वगैरह इस तरह से एक टाइम चंद्रमा को अर्घ देकर खाना खाया जाता है और यहाँ पर फलाहार किया जाता है। तो मैं भी तब से इसी तरह से करती हूँ व्रत को, और शाम चंद्रमा को अर्घ देकर ही शक्करकंद की खीर का फलाहार किया जाता है। आज अन्न का एक दाना भी मुंह में नहीं जाएगा हमारे। और शाम को जब चंद्रमा निकलेगा तभी हमें पूजा, शाम को हमारे जब सुबह, मतलब शाम को हम कहानी सुन लेते हैं लेकिन उसके बाद शाम को फिर से पूजा होती है, रात्रि में गणेश और चौथ माता की कहानी फिर से सुनी जाती है और फिर रात को चंद्रमा को अर्घ देकर ये थोड़ा सा तिल कुटा और शक्करकंद की खीर का प्रसाद ग्रहण करके ही व्रत खोलते हैं। और इस तरह से हमारे यहाँ ये तिल कुटा बना। अब ये देखिए तिल मेरा ब्राउन होने लगा है, तो इसे हम ब्राउन कर लेने के बाद हम, जैसे ही हमारा तिल ब्राउन हो जाएगा तो हम इस कढ़ाई गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इस सारे तिल को परात के अंदर शिफ्ट कर लेंगे जो हम गुड़ के साथ मेल्ट करने के लिए। देखिए अब दिखाती हूँ आपको, ये देखिए थोड़ा थोड़ा ब्राउन होने लगा है। चटकने की आवाज़ आने लगेगी। देखिए जब हमारा तिल कलर चेंज करने लगे, इस बात का विशेष ध्यान रखना कि जलना नहीं चाहिए, जलने से क्या इसका टेस्ट खराब हो जाएगा। देखिए कलर चेंज करने लगा है। अब हम गैस की फ्लेम थोड़ी कम कर लेते हैं, सिम कर लिया है गैस की फ्लेम को, कढ़ाई भी बहुत तेज गर्म हो जाती है। ये देखिए हमारे तिल का कलर चेंज हो चुका है, ये ब्राउन कलर आने लगा है। अब हम गैस की फ्लेम कर देंगे ऑफ़, क्योंकि कढ़ाई में भी रोस्ट हो जाता है। ऑफ़ कर दिया हमने, कढ़ाई हमारी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है और तिल क्या बहुत जल्दी सिक के तैयार हो जाता है। देखिए बिल्कुल ब्राउन कलर आ चुका है। अब हमारा तिल तैयार है तिलधानी बनने के लिए। गुड़धानी तो आपने सुनी होगी, गेहूं को भी रोस्ट करके इस तरह से बनाई जाती है, भिगोकर गेहूं को फिर उसे रोस्ट किया जाता है। अब हम आज आपको दिखा रहे हैं तिल की धानी किस तरह से बनती है। ये हमारे यहाँ तिल को कूटा नहीं जाता है पूजा के लिए, साबुत ही रखा जाता है जिससे इसका टेस्ट बहुत क्रंची क्रंची आता है। अब ये बहुत गर्म है, अब हम इसको इसमें गुड़ में मिक्स कर देंगे। देखिए गुड़ में मिक्स करने के लिए हैं हम तैयार। इसको हम पूरे तिल को हम इसमें पलट देंगे।
तो इसमें इस कवर को भी हम झाड़ लेते हैं। अभी हम इसको जर से ही इसी से मिक्स करेंगे अच्छे से, क्योंकि तेल बहुत ज़्यादा तेज गर्म है। देखिए नाइफ को हटा देते हैं, नाइफ में जो गुड़ लगा हुआ है इसको हटा देते हैं। देखिए इस तरह से इसको तैयार किया जाता है, बहुत ही अच्छी सुगंधित खुशबू आ रही है। इतनी अच्छी अरोमा के साथ तिलधानी बनके हो जाएगी तैयार। इसमें जितना ज़्यादा गुड़ होता है ये उतना ही टेस्टी बनता है, लेकिन क्वांटिटी के हिसाब से ही गुड़ डाला जाता है। जैसे मैंने 250 ग्राम तिल लिया था तो उसमें मैंने आधा किलो गुड़ ऐड किया है। तो अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी बनाना है तो उसकी तिल की क्वांटिटी से ज़्यादा होना चाहिए गुड़ की क्वांटिटी, दुगना। जैसे अगर आप 1 किलो तिल ले रहे हैं तो उसमें आपका आधा किलो तिल में, तो मैंने लिया था 250 ग्राम तिल में आधा किलो गुड़, तो आधा किलो में आप समझ सकते हैं 1 किलो गुड़ जाएगा, और आधा किलो तिल में और 1 किलो तिल में आपका 1.5 किलो गुड़ ऐड कर सकते हैं आप। तो आपकी मर्जी है, आप जैसे ऐड करना चाहें। आप चाहें तो इसके इस तरह से लड्डू भी बना सकते हैं मेल्ट करके, और हमारे यहाँ लड्डू नहीं बनाए जाते हैं इसलिए लड्डू नहीं बनाना है हमें। तो हमारा ये डिश हमारी बनके हो गई है रेडी। अब हम इसको हाथ से मस लेंगे। हालांकि गुड़ बहुत गर्म हो चुका है क्योंकि तिल बहुत ज़्यादा इस तरह से मैश किया जाता है जो एक एक तिल में अच्छे से गुड़ लग जाए। ये देखिए इस तरह से हाथ पर लेके, ये देखिए आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए गुड़ को इस तरह से हाथ पर मैश किया जाता है, फिर पूरा इस तरह से मिक्स कर देंगे इसको हम। बहुत ही गर्म है, अभी सर्दियां हैं तो हम कर पा रहे हैं इसको, गर्मियों में हम इसे नहीं कर सकते। और सर्दियों में आप गुड़ और तिल जितना खाते हैं उतना ही आपके लिए अच्छा है, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है इससे और काफ़ी एनर्जी देता है ये। तो तिल और गुड़ को सर्दियों में आप, अभी थोड़ी सर्दी बाकी है तब तक आप अपने लिए, लाइफस्टाइल में थोड़ा शामिल करें इसको, क्योंकि अगर आप ने तिल गुड़ नहीं खाया तो आपने क्या खाया। और ये देखिए बनके हो गया है हमारा रेडी इस तरह से। अभी जब जैसे ही गुड़ सूखने लगेगा तो ये खिला खिला हो जाएगा। ये देखिए इसमें क्या होता है, तिल ये साबुत जरूर होता है लेकिन पूरा गुड़ इसमें चिपक जाता है क्योंकि गर्म रहता है ना तिल, इसलिए। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। आप सभी को सकर चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं, और इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहें और मैं आपके लिए हमारी तरफ की डिश इस तरह से लाती रहूँगी। ये देखिए क्रिंची क्रिंची तिलकुट नहीं बोलेंगे हम इसे, तिलधानी बोलेंगे। बनके हो गया है रेडी और ये बहुत ही यम्मी लगता है, आप खाएं खिलाएं अपने घर में बनाएं। अब बच्चों को बहुत पसंद आता है, बच्चों को कुछ मीठा खाने का मन हो तुरंत आप अपने बच्चों के लिए बना कर खिलाएं, सबको ये पसंद आता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे, ओम गणपते नमः, सकर चौथ की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ, बाय बाय।
काले तिल की पूजा की जाती है, तो इस तरह से कुछ बनाई जाती है शेप पूजा करने के लिए। और शकरकंद वगैरह वो सब अभी नहीं रखा है, तो पूजा करते समय रखे जाएंगे। और ये इस तरह से लक्ष्मी गणेश रखे हैं, फिर वो तिल इस तरह से पूजन किया जाता है। इधर गणेश जी बनाए जाते हैं, इधर चौथ माता बनाई जाती है पट्टे पे, और ये गणेश लक्ष्मी रखे जाते हैं, इस तरह से पूजन किया जाता है। और मैंने देखिए जल भी रखा है। अब हम भोग लगाएंगे, जब चंद्र कहानी सुनेंगे तब, और चंद्रमा को अर्घ देंगे। ये देखिए आपको मज़ा ही आ जाने वाला है ये खाने के बाद, बहुत ही यम्मी लगता है ये, मुंह में पानी आ रहा होगा। तो ये देखिए, तो अब हम चलते हैं, अपनी पूजा की तैयारी करते हैं, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। आप सभी खुश रहें, प्रसन्न रहें, जिएं और जीने दें, और दूसरों की खुशियों में शामिल हों, दूसरों को खुश देखकर खुश हों, और दूसरों के दुख में दुखी हों। यही मनुष्य जीवन है, और यही सार है जीवन का। किसी की मुस्कुराहट पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार।